सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि अगर आपका क्लासिक टीपीपी वाला, क्लासिक मोड वाला ये जो क्लॉ है, इसको आपको अरीना में भेजने का है, या फिर अरीना वाला जो है क्लॉ सेटअप आपको यहाँ भेजना है क्लासिक मोड में। सपोज़ मेरा अरीना वाला ख़राब हो चुका है पूरा क्लॉ सेटअप, और मेरा क्लासिक वाला बहुत अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्लासिक वाला है वो मूव करके मैं अरीना में भी कर दूँ, या अरीना वाला बहुत अच्छा है और क्लासिक वाला ख़राब हो गया तो अरीना वाला मैं क्लासिक में कॉपी कर दूँ। बहुत आसान है, एक क्लिक में हो जाएगा, बस थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। बस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले कि आपको कौन सा वाला फिक्स करना है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए, जो ऊपर क्लासिक मोड टीपीपी लिखा है ना, तो ये मेरा लेआउट वन है, ओके। ये यहाँ पर आप देखो, लेआउट वन है ये। अगर सपोज़ आपको लेआउट टू ले जाना है तो लेआउट टू पर क्लिक करके उसको यूज़ में ला लीजिएगा। अगर आपको लार्ज आइकॉन लेके आना है तो यूज़ पर क्लिक करके उसको पहले वहाँ पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लेआउट वन का ही ले जाने का है, तो इसलिए लेआउट वन यहाँ लिखूँगी। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि आपको कौन सा लेआउट वन का ले जाना है, या लार्ज आइकॉन वाला ले जाना है, या लेआउट टू वाला ले जाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, सो पहले मुझे कौन सा वाला फ़िक्स करना है, मुझे एरिना वाला फ़िक्स करना है, तो पहले मैं यहाँ पे एरिना लगा देती हूँ। ये हमेशा सेव का पूछेगा तो सेव कर दो, ठीक है। एरिना टीपीपी देखिए पूरा बिगड़ चुका है मेरा, ये पूरा आप देख सकते हो कि जो आपका ख़राब हुआ है ना, वो आपको यहाँ लगा लेना है, ऊपर एरिना टीपीपी दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपल क्लासिक टीपीपी पर क्लिक करना है। मैं आपको मार्क दे दूँगी क्योंकि आपको क्लासिक टीपीपी वाला यहाँ चाहिए ना, तो क्लासिक टीपीपी वाले पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कॉपी द फायरिंग मोड लेआउट क्लासिक टीपीपी यहाँ पर लिख कर आ रहा है ना, एरिना FPP भी है और TPP भी है। तो अगर आपको क्लासिक TPP का कॉपी करना है तो क्लासिक TPP पे कर दीजिए, अगर एरिना FPP का कॉपी करना है TPP में तो आप एरिना FPP पे क्लिक कर दीजिएगा। सो अब ये ना आपको पक्का समझने वाला है, ठीक है, एकदम समझ जाएगा, इसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। समझ, आपको कौन सा लेआउट ठीक करना है ये बता दीजिए पहले, ठीक है, कौन सा लेआउट ठीक करना है। यहाँ पर उसको आपको ऐड करना है, जो मैंने मार्क दिया है ना आपको, जो भी लेआउट, सपोज़ आपको क्लासिक TPP ठीक करना है तो क्लासिक TPP लगा लीजिए, अगर आपका एरिना ख़राब हुआ है तो एरिना लगा लीजिए, TPP ख़राब हुआ है एरिना वाला तो वो लगा लीजिए, एरिना FPP ख़राब हुआ है तो एरिना FPP लगा लीजिए। मतलब जो क्लॉ सेटअप आपका ख़राब है वो आपको यहाँ सेट कर लेना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। लार्ज आइकॉन वो देख लेना ध्यान से, सपोज़ आप लार्ज आइकॉन वाला यूज़ करते हो ना, तो वो वाला मूव नहीं होगा, जो मूव होगा यहाँ पर लेआउट भी वन होना चाहिए। अभी अगर आपका लेआउट टू वाले में खेल रहे हो तो ध्यान रहे कि यहाँ पर लेआउट टू रहे, लेआउट थ्री वाला खेल रहे हो लार्ज आइकॉन वाला तो यहाँ पर ध्यान रहे कि लार्ज आइकॉन वाला रहे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये चीज़ तो मेरी ख़राब है, अब मुझे कौन सा सही वाला उसको ले जा करके ठीक करना है। तो सपोज़ ये कि क्लासिक TPP मेरा अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ क्लासिक TPP पर क्लिक करूँगी तो मेरा एरिना TPP भी क्लासिक TPP जैसा हो जाएगा। अब समझ गया ना आपको, मतलब ये कि क्लासिक TPP मेरा अच्छा है, एरिना TPP मेरा ख़राब है, तो क्लासिक TPP को मैं एरिना TPP में मूव कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके वो जितना भी आपका ये क्लॉ रहेगा वो मूव होकर के एरिना TPP में भी चला जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना, अब तो इससे आसान तो मैं समझा ही नहीं सकती, अगर अब नहीं समझाना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये एरिना क्लासिक TPP की। अब एरिना FPP क्या है, एरिना FPP भी वही है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो अभी क्लॉथ यहाँ पर दिख रहा है एरिना TPP वाला जो ख़राब हुआ है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका एरिना FPP वाला अच्छा है और आप चाह रहे हो एरिना FPP वाला मूव करो एरिना TPP में, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना। तो जो भी आपको मूव करना है, जो भी वाला जो अच्छा वाला है, वो नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और सेव कर लेना है। ओके क्लिक करने के बाद एनी टाइम आप सेव कर लीजिएगा, सेव करके ही एग्जिट होइएगा, बस इतना सा ही है, अब तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। और अगर आपको चाहिए कि सेंसिटिविटी किसी की कॉपी करके कैसे पेस्ट करें, या अपनी सेंसिटिविटी किसी और को शेयर कैसे करें, या बेसिक सेटिंग्स के ऊपर, ऐसे ही मैंने इतने अच्छे से समझाया है ना, बेसिक सेटिंग्स वाली वीडियो आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ क्लिक करके एक बार उस वीडियो को सेव कर लीजिए, जब फ्री होइएगा ना तो अनेबल और डिसेबल अपने हिसाब से कर लीजिएगा। टेक केयर।